आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान और इंस्टेंट सी रेसिपी, जिसे बनाने में सिर्फ 15 मिनट लगेंगे और खाने में ये लगेगी बिल्कुल मलाई केक जैसी। इसमें ना ही केक और ना ही रबड़ी बनाने का झंझट है। इसे बनाने के लिए बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो कि बहुत ही आसानी से हर घर में मिल जाते हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हमें बनानी होगी चाशनी। तो उसके लिए एक पतीले में मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप पानी, और इस पानी में अब हम डाल देंगे आधा कप चीनी। गैस का फ्लेम ऑन करके फ्लेम को रखेंगे मीडियम टू हाई, और इस चीनी को अच्छे से इस पानी में हम घोल लेंगे। चीनी घुल जाने के बाद अब इसमें फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे इलायची पाउडर। ये हरी इलायची का पाउडर है और इसको हम इसी में मिक्स करेंगे, और अब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे और पका लेंगे। हमें इसे 1 या 2 तार वाली चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है इसकी, हमें सिर्फ इसे इतना पकाना है कि इसमें हल्की सी चिपचिपाहट आ जाए। और मैं इसमें हल्का सा एकदम चुटकी भर फूड कलर ऐड कर रही हूँ, ये येलो फूड कलर है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चाशनी जो है वो हमारी बनके बिल्कुल तैयार है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये चाशनी रेडी हो चुकी है? आप इस तरीके से थोड़ा सा हाथ में लीजिएगा और यू फिंगर में, तो इसमें देखिए कोई भी तार नहीं बन रही है, लेकिन ये तेल की तरह चिपचिप लग रही है। जैसे ऑयल होता है ना, तेल हाथ में चिपचिपाहट देता है, वैसे ही बस उतना ही हमें पकाना है। अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और इसे एक साइड में रख देंगे। अब हम लेंगे कढ़ाई, और उसमें मैं ले रही हूँ 1/2 लीटर दूध। दूध आप कोई भी ले सकते हैं, टोंड या फुल क्रीम। और इस 1/2 लीटर दूध में से मैंने 1/2 कप दूध जो है अलग कर लिया हुआ है, इसका यूज हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच चीनी या फिर अपने स्वाद अनुसार, और फ्लेवर के लिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हरी इलायची का पाउडर। अब हम गैस का फ्लेम करेंगे ऑन और मीडियम फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे। साथ ही में मैं डाल रही हूँ 10 से 12 केसर के धागे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास केसर अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं इसमें यूज कर रही हूँ 1/2 कप मलाई। ये घर की मलाई है, आप चाहे तो फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबके पास फ्रेश क्रीम अवेलेबल नहीं होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मलाई का यूज किया है। इस मलाई को मैंने थोड़ा सा मिक्सी में फेंट लिया था, बहुत ज्यादा नहीं, वरना बटर निकल आएगा उसका मक्खन, इसलिए बहुत ही हल्का सा रोक रोक के। तो बस अब हम इसको चलाते हुए बीच बीच में तब तक पकाएंगे जब तक कि इसकी अच्छी सी कोटिंग ना हो जाए और ये गाढ़ा ना हो जाए। अब हम गैस का फ्लेम थोड़ी देर के लिए लो कर देंगे। अब ये वो बचा हुआ दूध है जिसे हमने अलग किया था। अब इसमें हम डालेंगे 2.5 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। तो ये देखिए कॉर्नफ्लावर अच्छे से दूध में मिक्स हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम करेंगे लो, और ये जो हमने दूध में कॉर्नफ्लावर का घोल तैयार किया था इसे हम इसमें डाल देंगे, और अब अच्छे से इसमें करेंगे मिक्स। और अब हम इसे लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि ये मिक्सचर अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए और इसकी कंसिस्टेंसी कोटिंग जैसी ना हो जाए। लेकिन इसे लगातार हिलाते जरूर रहिएगा, क्योंकि इसमें हमने कॉर्नफ्लावर डाला है तो इसमें गुठलियां ना पड़ जाए। 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाने के बाद मैंने फ्लेम को जो है वो लो टू मीडियम कर दिया है। अब तो जब तक ये मिक्सचर गाढ़ा हो रहा है, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिक्सचर हमारा बहुत ही अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, और मैं आपको स्पून से भी दिखाती हूँ कि आपको कैसे पहचानना है कि आपका मिक्सचर रेडी है। ये देखिए हमारे स्पून के पीछे अच्छी सी कोटिंग हो चुकी है, ये देखिए। तो इसका मतलब हमारा मिक्सचर बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम करेंगे बंद। यहाँ पे लिए मैंने कुछ रस, ये नॉर्मल रस्क है जो कि हम रेगुलर चाय के साथ यूज करते हैं, और आज इसी से हम अपनी डिजर्ट बनाएंगे जो कि बहुत ही टेस्टी और यमी बनेगी, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये रस्क से बनी है। अब लेंगे एक सर्विंग डिश, और इसमें अब हम इसको असेंबल करेंगे, यानी इस तरीके से लगा देंगे। ये जो साइड्स में जगह बच रही है इनमें मैं इस तरीके से टुकड़े लगा दे रही हूँ। तो अब आप देख सकते हो मैंने सारे ही रस्क जो है असेंबल कर लिए हुए। अब हम इसमें डालेंगे चाशनी जो हमने तैयार की थी, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब हम इसमें चाशनी डालें तो वो हल्की गर्म होनी चाहिए, पूरी तरह ठंडी ना हो, क्योंकि जब आप इसमें गर्म चाशनी डालेंगे तभी ये रस जो है चाशनी को सोक करेंगे और वो सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आपकी चाशनी रखे रखे ठंडी हो गई हो तो उसको दोबारा से थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा और उसके बाद ही रस के ऊपर डालिएगा। अब चाशनी डालने के बाद हम इस रस के ऊपर मिक्सचर डालेंगे जो हमने दूध से तैयार किया था। ध्यान रखिएगा कि ये मिक्सचर जब आप डालें तो ये मिक्सचर थोड़ा गर्म ही होना चाहिए, यानी कि हमें इस मिक्सचर को गर्म गर्म डालना है।
अब मिक्सचर डालने के बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ा सा नारियल का बुरादा। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नारियल के बुरादे का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब हम वापस से इसके ऊपर एक रस्क की फिर से लेयर लगाएंगे, इस तरीके से जैसे हमने नीचे लगाई थी। तो ये देखिए मैंने एक और लेयर लगा दी हुई है, और वापस से हम इसके ऊपर चाशनी डालेंगे, और अब हम बचे हुए मिक्सचर को इसके ऊपर डाल देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए बचा हुआ जितना भी मिक्सचर था वो मैंने इसके ऊपर फैला दिया हुआ है। अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे ताकि ये देखने में अट्रैक्टिव लगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ टूटी फ्रूटी, आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स का भी यूज कर सकते हैं या फिर फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। और साथ ही मैं डाल रही हूँ मैं बादाम का बुरादा, ये नॉर्मल बादाम है जो हम खाने के लिए यूज करते हैं, इसको मैंने मिक्सी में जो है पीस लिया हुआ था। तो अब आप देख सकते हैं डेकोरेशन कम्प्लीट है और इसमें काफी अच्छे से लेयर्स भी आ चुकी हैं। अब हम इसे 2 से 2.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और सेट भी हो जाए, और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे 2.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और ये काफी ठंडा भी हो चुका है और अच्छे से सेट भी हो चुका है। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए इसमें काफी अच्छी सी लेयर्स भी आ चुकी हैं और खाने में ये बिल्कुल क्रीमी क्रीमी सॉफ्ट सी बहुत टेस्टी लगती है। तो प्लीज इस रेसिपी को घर पे ट्राई करिएगा, और रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।